नमस्कार, मैं जनप्रतिनिधि शिवम गौतम। और जिस तरीके से प्रशांत भूषण के मामले में स्वर्ण नक्सल गैंग से लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उसके पक्ष में बयान देने लगे हैं और वो ये कह रहे हैं कि प्रशांत भूषण गांधी की तरह से और गांधीयन होने के नाते उसने जो बयान दिया है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा और मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। प्रशांत भूषण का कद इससे बढ़ गया है, ऐसा कहते हुए कांग्रेसी दिखाई दे रहे हैं। वही कपिल सिब्बल ने एक बयान दिया है और ये कहा है कि अब जो अवमानना का हथौड़ा है वो विरोधियों पर चलाया जा रहा है और इसके माध्यम से सरकार अपने विरोधियों को चुप कराने की कोशिश करने लगी है। जब भी कोई विरोधी बोलता है तो उसके ऊपर अवमानना या कोर्ट को बीच में लाकर उसको दबाने की कोशिश की जाती है। कपिल सिब्बल शायद भूल गया है कि प्रशांत भूषण पर दो बार पहले भी अवमानना के जो केस हुए थे तब कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या ये माना जाए कि जब 2009 में प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों के बारे में ये कहा था कि आधे से ज़्यादा जज भ्रष्ट हैं, इससे पहले 6 बार प्रशांत भूषण खुलेआम माफ़ी मांग चुका है। वो जिस तरीके से कृष्ण जी को लेकर रोमियो स्क्वाड के ऊपर उसने एक ट्वीट किया था, उसके बाद जब लोगों का विरोध हुआ तो प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट से 2013 में माफ़ी मांगी थी। जिस तरीके से प्रशांत भूषण के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, प्रशांत भूषण ने जो बयान दिए थे उस पर सुमोटो कार्रवाई की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और उस कार्रवाई के बाद में जब प्रशांत को ये लगा कि सजा भूल जाएगी फिर उसने अपने बचाव के लिए दुष्यंत दबे और बाद में राजीव धवन को खड़ा किया। ये वही राजीव धवन है जो श्रीराम मंदिर के मामले में जब एक रिटायर्ड अधिकारी ने इसके ऊपर ये कह दिया था कि भगवान तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे और तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देंगे, तो इसने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी अपनी सुरक्षा को लेकर और उसमें ये गिड़गिड़ाया था। यानी कि राजीव धवन जो कोर्ट में बयान देता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वही अगर उसके खिलाफ कोई व्यक्ति कुछ कह देता है तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपने लिए सुरक्षा मांगने चला जाता है, और जब प्रशांत भूषण ऐसा करता है तो उसके लिए वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही हवाला देता है। उसी तरीके से दुष्यंत दुबे ने जो कहा था कि कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा अगर प्रशांत भूषण को माफ़ कर दिया गया, तो ये वो लोग हैं जो अरमन नक्सल गैंग इन्हें कहा जाता है और ये सभी के सभी सुप्रीम कोर्ट को निशाना इसलिए बजा रहे हैं कि इनकी जो मंशा थी राफेल के मामले में वो पूरी नहीं हो पाई। राफेल को लेकर प्रशांत भूषण ने तमाम याचिकाएं लगाई थी और उन याचिकाओं की पैरवी भी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है, प्रामा फेसी कोई केस नहीं बनता है और इसीलिए राफेल की डील में अड़ंगा लगाना ये लोग छोड़ दें, और इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि पहले जो रंजन गोगोई मुख्य न्यायाधीश थे उसके बाद शरद अरविंद बोबड़े मुख्य न्यायाधीश बने, ये भी उस बेंच के हिस्सा थे जिसने राम मंदिर को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, और इसी वजह से प्रशांत भूषण के बहाने कांग्रेस पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टियाँ हों या फिर सपा जैसी पार्टियाँ भी हों, ये सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाना चाहते थे, और अगर इस मामले में सजा नहीं होती है तो फिर इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे और ये खुलकर इसी तरीके की टिप्पणियां न्यायालय के ऊपर न्यायाधीशों के ऊपर करते रहेंगे जिससे न्यायाधीशों को दबाव में लाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक बार फिर से राफेल का राग अलापना शुरू कर दिया। ये वही राहुल गांधी है जिसने 2019 के चुनावों से पहले राफेल राफेल करके देश की तमाम जनता का इतना ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था कि कांग्रेस पार्टी को जनता ने 50 सीटों के आसपास सिमट दिया, लेकिन उसके बावजूद राहुल को ये लगता है कि राफेल का अगर वो हल्ला करेगा तो शायद उसकी राजनीति फिर से चमक जाएगी। राहुल गांधी पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है नेता के तौर पर, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन राहुल को ये लगता है कि अगर वो राफेल राफेल करता रहेगा तो जिस तरीके से राजीव गांधी के मरने के बाद भी वो पोर्स का जो घोटाला है राजीव गांधी का पीछा नहीं छोड़ रहा है, उसी तरीके से वो नरेंद्र मोदी को बदनाम कर देगा। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को अगर लगता है कि राफेल के मुद्दे में जान है और राफेल पर वो जो कुछ कह रहे हैं जनता उसको सुनेगी, तो उन्हें 2024 के चुनावों में राफेल को ही मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए और जनता एक बार फिर से राहुल गांधी को दिखा देगी कि राफेल को लेकर वो जो कुछ कह रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत है। राफेल को लेकर राहुल गांधी झूठ पर झूठ बोलते रहे और इसको लेकर जिस तरीके से दुष्प्रचार किया गया उसमें तमाम मीडिया चैनल्स शामिल थे, तमाम पत्रकार शामिल थे, तमाम प्रशांत भूषण अरुण शौरी जैसे लोग, यशवंत सिन्हा जैसे लोग उसमें शामिल थे। वजह ये थी कि राहुल गांधी की पार्टी का जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में समझौता हुआ था उसके तहत वो अपना फर्ज निभा रहे थे और उस MOU में जो कहा गया था कि एक दूसरी पार्टी को सहयोग करेंगे, तो चीन कभी नहीं चाहता था कि भारत को चौथी और पांचवी पीढ़ी का ये राफेल विमान जैसा शक्तिशाली जेट मिले, शक्तिशाली लड़ाकू विमान मिले, और इसीलिए चीन इस पूरे मामले में राहुल गांधी को सह दे रहा था। और जिस तरीके से डोकलाम का विवाद हुआ था तब भी राहुल गांधी ने चीन का पक्ष लिया था, चीन के राजदूत से बातचीत की थी
और राफेल को लेकर अब चूंकि जब LAC पर विवाद चल रहा है और चीन को भारत सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए राफेल को जल्दी से जल्दी भारत लेने का काम हुआ और 5 विमान अब तक आ चुके हैं, उसके बाद चीन ने राहुल गांधी से कहा है कि किसी भी तरीके से राफेल के विवाद को दोबारा से उठाया जाए और इसकी जो आने वाली खेप है उसको रोकने का प्रयास की जाए। राफेल को लेकर हमारे 2 साल पहले भी हमने एक बहुत बड़ी खुलासा किया था कि इस पूरे मामले में जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। राफेल की जो डील हुई थी जब कांग्रेस पार्टी थी उस समय 100 मिलियन यूरो की डील थी एक राफेल के बेयर एयरक्राफ्ट के लिए, जिसमें जो मीटियोर मिसाइल हो या दूसरे स्कल्प मिसाइल हो, जो दूसरी टेक्नोलॉजी है वो अलग थी। तो इस हिसाब से जो NDA गवर्नमेंट ने जो डील की थी वो डील थी, इस तरीके से ये 9 मिलियन यूरो का जो सस्ती डील थी जिसको राहुल गांधी ने महंगी बताने की कोशिश की, और जो एक फुली फर्निश्ड जो विमान है उसकी कीमत को वो बेयर एयरक्राफ्ट की कीमत से तुलना करते हुए ये कहते हैं कि पहले ये 570 करोड़ का रहा था, अब 1600 करोड़ का कैसे हो गया। लेकिन AK एंटनी ने जो बात संसद में कही थी या बाहर भी कही थी, और उसने ये कहा था कि हाँ हमारी कभी नीति नहीं हुई और कांग्रेस की ही नीतियों की वजह से जो राफेल के खरीदने की चर्चा या खरीदने की जो डिमांड एयरफोर्स ने 2001 में रखी थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने इसको आगे बढ़वाया था, वो बढ़ते बढ़ते अब 2020 हो गया तब जाकर राफेल देश को मिल पाए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे के पूरे मामले में कमीशन खाने की वजह से इस मामले को नहीं लटकाया होता तो शायद राफेल की जो खेप है भारत को 2016-17 तक मिल गई होती। लेकिन ऐसा चूंकि राहुल गांधी का पूरा खानदानी पेशा रहा है कि वो हर रक्षा डील में वो कमीशन लेते हैं, तो राहुल गांधी की जो फ्लॉप फिल्म है, जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान उन्होंने शूट किए हुए वीडियो को वो बार बार हफ्ते दर हफ्ते डालते रहे, जिसकी पोल खुल गई थी कि ये वीडियो एक ही स्क्रिप्ट पर लिखे गए, एक ही लोकेशन पर शूट हुए, एक ही कैमरे से शूट हुए, उसके बावजूद राहुल गांधी की जो सेटिंग मीडिया के साथ है, लाल हरे चैनलों के साथ, उसकी वजह से वो बार बार इसको ऐसे दिखाते रहे कि राहुल गांधी ने फिर हमला बोला, जबकि वो सारे के सारे वीडियो आउटडेटेड हो चुके थे, जो मुद्दे 1 महीने पहले उठाए गए थे उनका कोई औचित्य नहीं रह गया था। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि वो अगर वीडियो के माध्यम से चाहेंगे तो दुनिया को बेवकूफ बना लेंगे, और इसीलिए पहले उन्होंने किसी के डायरेक्शन में तमाम वीडियो शूट कराए और उसके बाद भी जब असर नहीं हुआ तो उन्हें लगता है कि अब राफेल ही उन्हें बचा सकता है, जबकि राफेल ने सिद्ध कर दिया था कि राहुल फेल हो चुका है। राहुल फेल होने का यह नतीजा रहा कि राहुल गांधी को अमेठी से भी हारना पड़ा और उसके बाद जो उनकी दुर्गति हुई उसके बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से भी हटना पड़ा। लेकिन राहुल गांधी, राफेल का जो भूत उनके अंदर समा गया है, राफेल का जो नशा उनके अंदर समा गया है, वो तमाम चीज़ें स्पष्ट होने के बावजूद, हर चीज़ की बात क्लियर होने के बावजूद राहुल गांधी इस मामले में पीछे नहीं हट रहे, और यही वजह है कि उन्होंने पहले BS धनोवा के ऊपर भी आरोप लगाया था कि वायुसेना के जो प्रमुख उस समय थे वो झूठ बोल रहे हैं और वो सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए, CAG पर सवाल उठाए, और जब देश की जनता ने इस मामले पर मोहर लगा दी कि राफेल की जो डील है उस पर पूरी जनता को 130 करोड़ भारतीयों को विश्वास है, उसके बाद राहुल गांधी को लगा कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, और राहुल गांधी उस बात को न मानते हुए एक बार फिर से राफेल का राग अलापने लगे हैं। और जिस तरीके से प्रशांत भूषण इस मामले में फंस रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला है, ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा एक तंत्र काम कर रहा है। राहुल गांधी हो, कपिल सिब्बल हो, दिग्विजय सिंह हो, या शशि थरूर जैसे लोग हों जो आज जो प्रशांत भूषण की वकालत करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रशांत भूषण माफ़ी नहीं मांगेंगे, उन्हें नहीं पता कि अब से पहले आधा दर्जन से ज़्यादा बार प्रशांत भूषण सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांग चुके हैं और इस बार भी उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो अगर उन्हें चाहे एक दिन की भी सज़ा होती है तो ये सज़ा मानी जाएगी और उसके बाद उनके ऊपर लोग जिस तरीके से थूकेंगे वो बेहद चौंकाने वाला या फिर उन्हें हिलाने वाला होगा। जिस तरीके से इस पूरे के अवमानना के मामले में सज़ा का प्रावधान है, 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है, साथ ही साथ जुर्माना हो सकता है, और ये दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से KK वेणुगोपाल जो कि अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने ये कहने की कोशिश की थी कि इस बार प्रशांत भूषण को माफ़ कर दिया जाना चाहिए, लेकिन अरुण मिश्रा जो कि खंडपीठ की अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके से हम छोड़ देंगे जिसके अंदर इतनी एरोगेंस है कि वो अभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा है, अगर वो गलती स्वीकार करते, माफ़ी मांगते, तो हमें माफ़ी देने पर भी विचार करने में कोई दिक्कत नहीं थी।
लेकिन यहाँ जिस तरीके का आक्रामक रवैया प्रशांत भूषण ने अपनाया है और अपनी गलती को नहीं मानकर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उन्होंने अब तक जितनी PIL किए हैं या जितने अच्छे काम किए हैं उसके दम पर वो अपराध करने की छूट उन्हें मिल गई है। और जब राजीव धवन ने ये कहा कि उन्होंने 50 से ज़्यादा केसेस में बड़े बड़े निर्णय जनता के हित में हासिल किए हैं, तो इस पूरे मामले में प्रशांत भूषण को सजा होना ये तो लगभग तय हो चुका है। चाहे खंडपीठ की अगुवाई कर रहे जस्टिस अरुण मिश्रा हो या फिर VR गवई हो या कृष्ण मुरारी हो, ये तीनों के तीनों इस बात पर सहमत हैं कि प्रशांत भूषण को सजा मिलनी चाहिए, अन्यथा इस देश में ऐसे लोगों की लंबी कतार लग जाएगी जो आए दिन न्यायालय को आलोचना करते रहेंगे, न्यायालय पर सवाल उठाते रहेंगे और तमाम तरीके के झूठ और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहेंगे। और ताज़ा विवाद एक बार फिर उठता हुआ जा रहा है कि प्रशांत भूषण की तरफ से ये दावा किया गया है कि अगर उन्हें छूट दी जाए तो वो ये साबित कर देंगे कि भारत की ज्यूडिशरी भ्रष्ट है। तो इस तरीके के आदमी को कैसे माफ़ किया जा सकता है, कैसे उसे छोड़ा जा सकता है बगैर सजा के, और अगर उसके बचाव में दिग्विजय सिंह, शशि थरूर और कपिल सिब्बल जैसे लोग खड़े हैं तो पूरी जनता जानती है निश्चित तौर पर प्रशांत भूषण ने अपराध किया है और उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी का जो हश्र अब तक हुआ है, ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने राफेल का राग जल्दी नहीं छोड़ा तो राहुल गांधी का जो बची कुची इज्जत है वो भी वो गवा बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत।